तो अब घटना तो घट गई, मैया छोड़ के और दूध बचाने चली गई। अब इधर क्या सीन हुआ, संजात कोपह, गुस्सा आ गया, क्रोध उत्पन्न हो गया, अत्यंत क्रुद्ध, संजात कोप। इस तरह कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर, और कैसे पता चल रहा है अत्यंत क्रुद्ध है, स्फुरिता रुणाधरम, लाल लाल होंठ फड़क रहे हैं, होंठ फड़कने लग गए गुस्से में। संदश्य दधि दधि मंथभाजनम, संदश्य का मतलब, संदश्य दधि, दधि माने दांतों से, और संदश्य माने काटते हुए, किसको काटते हुए, फड़कते हुए होंठों को अपने दांतों से काटते हुए, और क्रोध में आंखें लाल होने लग गई। संजात कोप स्फुरिता रुणाधरम, संदश्य दधि, दांतों से होंठ काट रहे हैं, सांसें ले रहे लंबी लंबी, अरे मैया तुम्हारे लिए आया, हमको छोड़ के चली गई, इतनी देर का बहुत हो गया, एक मिनट की बात होगी बस, एक मिनट कृष्ण से बर्दाश्त नहीं है कि मेरा भक्त हमको छोड़ के जाए, मेरे लिए जाए ना जाए, बिल्कुल माँ को छोड़ते ही नहीं है बच्चे। संजात कोप स्फुरिता रुणाधरम, संदस्य दधि, दांतों से होंठ काटे जा रहे हैं, और दधि मंथ भाजनम भित्वा, दृश्य दशमना, किससे तोड़ा, दृश्य दशमना से तोड़ा। दृश्य दशमना क्या होता है, लोढ़ा यानी सिलबट्टा, वो जो बट्टा छोटा वाला होता है जिससे घिसते हैं चटनी बनाते हैं हाथ में पकड़ के, वो उससे दही का मटका तोड़ दिया। दृश्य दशमना माने, यहाँ कंकड़ लिखा है, कंकड़ से टूटने वाला नहीं था, बहुत मजबूत था, हाँ लोढ़े से तोड़ा, कैसे उठा के लाए होंगे पता नहीं। तो भित्वा, भित्वा माने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, दधि मंथ भाजनम, दधि मथने वाला पात्र, बहुत चिकना और बहुत हार्ड था वो। और रहो, रहो माने एकांत में, एकांत में चले गए तोड़ करके। और जघास हयंगमम, मक्खन खाने लगे एकांत में, एक अलग कमरे में जा करके अलग है मक्खन खाने। अंतरम गतः, किसी कमरे के अंदर जा करके वहां जो मक्खन रखा हुआ था उसको लगे खाने। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होंठों को अपने दांतों से काटते हुए, आंखों में नकली आंसू भरते हुए, मृषा अश्रु भित्वा, मृषा अश्रु दृश्य दशमना रहो, झूठे आंसू भर लिए आंखों में। ये बच्चे एक्सपर्ट होते हैं झूठे आंसू भरने में, कोई बात हो नहीं हो बस रोना चालू, हाँ आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर बिलोनी तोड़ दी। इसके बाद एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। यह स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा क्रुद्ध होता है तो वह आंखों में नकली आंसू भरकर चिल्लाने लगता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे, जब बच्चा गुस्सा होता है तो आंखों में झूठे आंसू भर करके लगता है चिल्लाने। कृष्ण भी वही किया और अपने लाल लाल होंठों को अपने दांतों से काटते हुए उन्होंने कंकड़ से मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। प्रभुपाद जी ने ताजा मक्खन लिखा है, चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं बासा मक्खन। ठीक है, कुल मिला करके ताजा बासी सब हटाओ, मक्खन खाने लगे।
मतलब ताजा चक्रवर्ती पाद इस हिसाब से सोच रहे होंगे कि जो अब बना रही है मैया वो है ताजा, अब वो तो पहले का रखा हुआ है। और प्रभुपाद जी किस दृष्टि से देख रहे हैं कि वहां जो मक्खन रखा था वो भगवान को भोग लगाने के लिए रखा था, तो भगवान को भोग लगाने के लिए बासी चीज थोड़ी रखी जाए, वो भी ताजा ही था। लेकिन अब बिल्कुल अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ताजा तो ये लेटेस्ट वाला कहना है। तो दृष्टि अपने अपने आचार्यों की है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाए कि दोनों क्यों क्या देख रहे हैं। नित्य लीला प्रविष्ट है, कभी ताजा कभी बासी चलता रहता होगा। तो उतार्य गोपी, इधर कृष्ण अपने काम में लग जाए और उधर उतार्य अंगीठे से उतारा। उतार्य गोपी सुश्रुतम पयः, पुनः सुश्रुतम पयः गर्मा गर्म दूध उसको उतार्य आँच से उतार दिया, नीचे रख दिया और पुनः प्रविश्य फिर वापस उसी स्थान पर आई जहाँ दही मत रही थी। संदृश्य च दध्यमत्रकम भगनम, देखा आकर के कि दही का पात्र तो टूटा पड़ा है। तो भगनम विलोक्य टूटे पात्र को देखते ही स्वसुतस्य कर्म तत्, मेरे बेटे का ही काम है ये। स्वसुतस्य कर्म तत् जहास, हंसने लगी। मटकी भर मक्खन तोड़ के गिरा दिया और मैया हंस रही कि मेरे बेटे ने ही किया है, ये है वात्सल्य। नहीं तो ले के छड़ी पिटाई करना शुरू कर दूंगी, 100 ग्राम मक्खन को गिरा दे। मटकी भर कितना आता होगा, मटकी में कम से कम 20 किलो मक्खन आ जाता है, 500 रुपए किलो मक्खन आज की रेट के हिसाब से जरा कैलकुलेट करो, 20 किलो कितने का हो गया, 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का मक्खन गिरा दिया, मैया हंस रही। हाँ कितना होशियार हो गया, तोड़ दिया मटका, जरा सा देर बर्दाश्त नहीं है इसको, दोष दिखता ही नहीं है। प्रेम में, प्रेम कहते हैं अंधा होता है, दोष ही नहीं दिखता। चोरी करता है तब दोष नहीं दिखा, शर्मीला है, गुण दिखाई दे रहा है, दोष में भी गुण। एक ईर्ष्या होती है जिसमें गुण में भी दोष दिखता है, लेकिन यहाँ ये प्रेम है जिसमें दोष भी गुण दिखता है।